करना पड़ेगा। दूर करो, दूर करो। दूर करो, दूर करो। कोई बात नॉन गेजेटेड पुलिस पेंशनर वेलफेयर फोरम का चेयरमैन बोल रहा हूँ अजीत सिंह। हमारा सर ये 1196 से लेकर आज तक जो पे एनामली है फिफ्थ पे कमीशन पूरी स्टेट एम्प्लॉय को दिया गया है और मास वाइज पुलिस को इससे डिनाई किया गया। तब से लेकर आज तक हमने जितनी भी वक्त की हुकूमतें आई हैं तब सबसे रुजू किया, लेकिन किसी ने भी हमें उस मसले को हल करने का नहीं मतलब कोशिश की और मजबूर होकर हमने ये प्रोटेस्ट और धरने पर उतरते हैं। और ये बड़े दुख की बात यह है कि हम सीनियर सिटीजन और सारी ज़िंदगी हमने मुल्क और कौम की सेवा की है, उसके बावजूद ये आज हम इस हालत में हैं। तो इन ब्यूरोक्रेटों और पॉलिटिशनों को इस बात का एहसास नहीं हुआ है, तो अब मजबूर होकर हम प्रोटेस्ट और धरना कर रहे हैं। और 3 दफ़ा हमारी पे एनामली कमेटी बनी है, उनको इन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया और उसके आर्डर हुए, और लिहाजा अब इन्होंने किलिंग द टाइम और लिंगरिंग द टाइम किया, लिहाजा अब मजबूर होकर हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा मसला जल्द से जल्द हल किया जाए, नहीं तो हम हंगर स्ट्राइक पर बैठेंगे और उसके मजीद भी हम डू और डाई कुछ करो या मरो वाली नीति अपनाएंगे, ताकि ये हम अपने हक जो है हम लेना जानते हैं और हक ले कर रहेंगे। तो लिहाजा आपके माध्यम से हम ये गवर्नर साहब को और जितने भी ब्यूरोक्रेट और लोग हैं इनको बता देना चाहते हैं कि पुलिस के बगैर कोई भी गवर्नमेंट या हुकूमत नहीं चल सकती। जो जितने भी लॉ एंड ऑर्डर या इम्प्लीमेंट होती है मास वाइज पुलिस के कोई और डिपार्टमेंट नहीं है। जो ये पुलिस जो महकमा है बैकबोन ऑफ द नेशन, बैकबोन ऑफ द कंट्री, ये रीढ़ की हड्डी है। तो लिहाजा मैं आपके माध्यम से फिर एक दफ़ा ये गवर्नर महोदय से गुजारिश करूँगा कि हमारा मसला जल्द से जल्द हल होना चाहिए।